हाँ तो कैसे हो बैंटन के सुपर फैंस। हाँ तो स्वागत है आपका मेरे एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तो दोस्तों मुझे पता है कि आज की ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेट हो गई है, पर गाइस कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक में है, तो गाइस आज की वीडियो को पूरा इन्जॉय करना एंड तक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एवेंजर्स वर्सेज बेन टेनिसन। तो गाइस इसमें मैं एलियन एक्स को इंक्लूड नहीं करूँगा, मतलब गाइस इसमें खाली एवेंजर्स वर्सेस बेन होंगे। तो क्या एवेंजर्स इस मैच को जीत पाएंगे कि नहीं, मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तो गाइस आपको पता चल जाएगा कि कौन विन हुआ। और गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जाके गाइस आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और गाइस अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस सब्सक्राइब करते समय उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना और गाइस को ऑल पे सेट करना, जिससे गाइस आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मैं इनकी फाइट कराऊंगा पर कुछ गाइस लेवल में, जैसे गाइस सबसे पहले मैं फाइट कराऊंगा लो लेवल में, फिर गाइस मैं कराऊंगा मीडियम लेवल में, फिर गाइस मैं कराऊंगा हाई लेवल में, और फिर गाइस मैं कराऊंगा अल्ट्रा लेवल में। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं लो लेवल कैरेक्टर्स की। हाँ तो गाइस लो लेवल कैरेक्टर्स में आते हैं दो कैरेक्टर, जो है गाइस ब्लैक विडो और हॉकआई है। तो गाइस इन दोनों एलियन मतलब इन दोनों कैरेक्टर को हराने के लिए बैन कौन सा एलियन यूज़ करेगा, तो गाइस वो बैन यूज़ करेगा स्पाइडर मंकी और कूप का। तो गाइस बैन इन दोनों एलियन से ही इसको हरा देगा, मतलब इन दोनों को हरा देगा आराम से। तो गाइस अब हम नेक्स्ट लेवल में चलते हैं, जिसमें गाइस आपको फाइट होगा मीडियम लेवल। तो मीडियम लेवल में गाइस कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे गाइस ब्लैक पैंथर, एंटमैन और फैलगन। तो गाइस इनको हराने के लिए बैन यूज़ करेगा जेट रे, डायमंड हेड और वेबिक का, क्योंकि गाइस वेबिक का बैन इसलिए यूज़ करेगा क्योंकि एंटमैन है, और गाइस एंटमैन एक बहुत बड़े में मतलब बन जाता है। तो गाइस वेबिक का यूज़ करके एंटमैन को आराम से हरा सकता है। पर गाइस अगर ये बाई चांस एंटमैन अगर छोटा हो जाएगा तो बैन क्या करेगा, तो गाइस बैन नैनोमेक का यूज़ करके उसको हरा देगा। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट लेवल में। तो गाइस अब हम बात करेंगे हाई लेवल कैरेक्टर्स। तो गाइस हाई लेवल कैरेक्टर्स में जो कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि स्कारलेट विच, कैप्टन अमेरिका, हल्क और स्पाइडरमैन। तो गाइस इन सबको हराने के लिए बैन जो कैरेक्टर यूज़ करेगा वो है गाइस ग्रेविटेक, फीडबैक, रैथ। तो गाइस बैन ग्रेविटेक का इसलिए यूज़ करेगा क्योंकि गाइस स्कारलेट विच भी ग्रेविटी को कंट्रोल करती है और गाइस ग्रेविटेक, पर गाइस ग्रेविटेक काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई अमाउंट में वो ग्रेविटी को कंट्रोल करता है। तो गाइस आराम से ग्रेविटेक स्कारलेट विच को हरा देगा, और गाइस फीडबैक आराम से स्पाइडर मंक तो अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैक से कैप्टन अमेरिका को आराम से हरा देगा। और गाइस स्पाइडर मंकी अपने वेब से कितना भी कर पर वो गाइस को भी अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैक में आराम से हरा देगा। तो गाइस बारी आई हल्क की। तो गाइस हल्क को हराने के लिए इन सब कैरेक्टर का काम नहीं पड़ेगा, तो गाइस इन सब कैरेक्टर्स में तो कुछ भी काम नहीं आएंगे हल्क के सामने। तो गाइस बैन यूज़ करेगा रैथ को। तो गाइस रैथ की पावर गाइस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो गाइस बैन का एक ऐसा एलियन है जब तक वो किसी भी एलियन को हरा नहीं देता तब तक वो हार नहीं मानता, जैसे गाइस हल्क। तो गाइस इन दोनों के फाइट में गाइस रैथ इसको हरा सकता है। तो गाइस अब हम बात करेंगे अल्ट्रा लेवल कैरेक्टर्स। तो गाइस अल्ट्रा लेवल के जो कैरेक्टर्स है, जैसे कि थॉर, आयरन मैन, विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज, और ये कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा ओवर पावरफुल कैरेक्टर्स है। तो इसको हराने के लिए बैन को काफ़ी ज़्यादा ओवर पावरफुल एलियंस का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि एटॉमिक्स, क्लॉकवर्क, ग्रेविटेक और टॉयपेक। तो गाइस थॉर को हराने के लिए बैन को यूज़ करना पड़ेगा एटॉमिक्स का, क्योंकि गाइस आपको पता है एटॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो अपने एक ही दो अटैक से थॉर को आराम से हरा देगा। और गाइस एटॉमिक्स से कुछ कुछ अटैक गाइस इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो अर्थ को ही आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो गाइस आप जान सकते हो कि गाइस एटॉमिक्स कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो गाइस आराम से ही एटॉमिक्स थॉर को हरा देगा। और गाइस यही बात करें तो आयरन मैन की, तो गाइस आयरन मैन को हराने के लिए उसको गाइस ग्रेविटेक का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस उसको ग्रेविटी को कंट्रोल कर लेगा। तो गाइस आयरन मैन शायद हार सकता है, नहीं तो गाइस वो टॉयपिक का यूज़ करके आयरन मैन को डरा देगा, जिससे गाइस आयरन मैन उसे फाइट ही नहीं कर पाएगा। तो हम बात करते हैं विजन की। तो गाइस विजन को भी हराने के लिए बैन टॉयपिक का और एटॉमिक्स का यूज़ कर लेगा, क्योंकि गाइस विजन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो गाइस विजन को हराने के लिए एक ओवर पावरफुल कैरेक्टर चाहिए, जो गाइस बैन के पास है एटॉमिक्स। तो गाइस एटॉमिक्स का यूज़ करके आराम से विजन को बैन हरा सकता है।
और गाइस अगर एटॉमिक्स वो नहीं हरा पाया तो गाइस वो टॉपिक का फेस दिखा के वो विजन को आराम से हरा देगा। तो हम बात करते हैं गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने के लिए गाइस बैन क्लॉकवर्क का यूज कर सकता है। तो गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम में आगे जा सकता है और टाइम में पीछे जा सकता है और गाइस वो काफी सारे अलग अलग मैजिक कर सकता है। पर गाइस आपको बता दूं कि क्लॉकवर्क एक क्रोनोसेपियन है, मतलब ये टाइम से ही खेलता है। तो गाइस ये आराम से ही क्लॉकवर्क को हरा देगा और गाइस ये कुछ भी अटैक नहीं करता, तो ये मतलब टाइम से ही मतलब सब अटैक करता है। तो गाइस इसके सामने मेरे ख्याल से तो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं टिक पाएगा। तो अगर इन लोग की फाइट हुई तो मेरे तो ख्याल से गाइस क्लॉकवर्क आराम से इसको हरा देगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ जाके इस वीडियो को एक लाइक कर देना और गाइस अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि गाइस आपको इस चैनल में बेंटिन की एनिमे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग सी टॉपिक पे।